बेसिकली हमारे पास एक नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें से मुझे क्या करना है, एक नॉन रिपीटेड 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है जिससे पूछा था श्रीकांत कुमार ने। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से ये 99 मैक्सिमम डिजिट नहीं होगा, मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह 99 रिपीटेड है, मतलब सेम डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होगा, 91, ठीक है। तो एग्जाम्पल टू देखो, 4527, 2527, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है, 72, 77 भी है, बट 77 क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 5, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम क्या है, 55, बट ये 5 5 रिपीटेड है, तो मैक्सिमम क्या होगा हमारा, 45। सिमिलरली 5 7 2 9 2 5 7 7 भी है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, 92। तो इस तरीके से कुछ नंबर यूजर इनपुट करेगा और उसमें से मुझे क्या करना है, 2 डिजिट का नॉन रिपीटेड, मतलब नॉन रिपीटेड कहने का मतलब सेम डिजिट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज, लुक हियर, मैं पूरा प्रोग्राम को समझाता हूँ। मैंने यहाँ एक क्लास बनाया, नॉन रिपीटेड मैक्सिमम 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ मेन मेथड को क्रिएट किया, और मेन मेथड के अंदर मुझे यूजर्स इनपुट लेना है, तो मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले किया, ठीक है, मैसेज लिया कि एंटर अ नंबर। अब यूजर यहाँ पे नंबर को एंटर करेगा, sc.nextint, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट क्या है, वेट, नेक्स्ट इंट क्या है, एक मेथड है जो कि स्कैनर क्लास के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो इंस्टेंस मेथड है। तो मुझे, तो मैंने क्या किया, इंस्टेंस रेफरेंस से, मतलब रेफरेंस से उस मेथड को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे मैंने एक नंबर को रीड किया, ले सपोज 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम क्या मिलना चाहिए, 55 नहीं, 55 की जगह मुझे 45 चाहिए। 45 क्यों, क्योंकि 55 रिपीटेड है, ठीक है, इसीलिए जो आउटपुट आना चाहिए वो 45 आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लाइन नंबर 11 पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, मैक्स 2 डिजिट नॉन रिपीटेड, मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया है, ठीक है। अब इस मेथड पे मैंने क्या किया, इस नंबर को एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने पास कर दिया, एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब क्या होगा, ये जो मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये जो मेथड अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस नंबर पे, ठीक है, दिए हुए नंबर पे, तो फाइनली मुझे एक क्या देगा, मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर जो कि नॉन रिपीटेड होगा। तो ये मुझे क्या देना, क्या देगा, यहाँ से यहाँ लास्टली मुझे 45 रिटर्न करके देगा, ठीक है। फिर उसे मैंने लाइन नंबर 12 पे यहाँ पे एक मैसेज देके प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने मैसेज को कॉल तो किया, लेकिन उसको मैंने डिफाइन कहाँ किया, तो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे मेथड है और यहाँ पे मैंने उसे डिफाइन किया है। लेट्स सपोज मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखिए, ये जो मेथड है वो कैसा नंबर को इनपुट ले रहा है, मतलब पैरामीटर इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का, और वो रिटर्न भी क्या कर रहा है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। अब उस मेथड के अंदर मैंने क्या कहानी करी है वो देखो, तो इस नंबर पे कोई भी एक नंबर इनपुट हो सकता है, 1 2 3 4 5 5, मैंने ये नंबर लिया अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसका पहले लेंथ काउंट किया, ठीक है, लेंथ कैसे काउंट किया, तो मैंने उसे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, और वो नंबर को मैंने यहाँ पास किया, मैंने पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ पे ये जो नंबर था उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और स्ट्रिंग का लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डॉट लेंथ मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, उसे फाइंड करते हैं। और उसको मैंने एक लेंथ नाम के वेरिएबल पे, इंटीजर वेरिएबल पे जो लेंथ आई उसको स्टोर किया, ठीक है। अब मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया, और उसका जो साइज था इस लेंथ के बराबर रहा, अब कुछ भी लेंथ हो सकता है, जो भी लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैंने यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, क्यों लिया मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अब एक्चुअली मुझे इस नंबर से क्या चाहिए, इस नंबर से मान लो देखो, मैं यहाँ पे वाइल के अंदर क्या काम हो रहा है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो इनिशियलाइजेशन का पार्ट था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक्चुअल में ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, अब वाइल लूप के अंदर इस नंबर पे ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन क्या हो रहा है, अभी मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, मुझे इस नंबर पे तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब तक कि ये 0 या 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है।
तो अब मुझे इस नंबर से क्या क्या चाहिए, दोनों डिजिट के नंबर चाहिए, जैसे 1 2 मिलेगा, 2 3 सॉरी 2 3, उसके बाद 3 4, उसके बाद 4 5 और 5 5। मुझे ये दोनों डिजिट के नंबर चाहिए मुझे इस नंबर से। तो मैंने क्या किया, उस नंबर को 100 से मॉडुलो किया। जब 100 से कोई भी चीज़ को मॉडुलो करते हैं ना, तो लास्ट के 2 डिजिट देते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब जब ये नंबर यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 23 में, तो ये 1 2 3 4 5 मॉडुलो ये 100 होगा, ठीक है। 100 होगा तो यहाँ से मुझे 55 मिलेगा, उसके बाद मुझे 45 मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे 34 मिलेगा, उसके फिर उसके बाद मुझे 23 मिलेगा, मतलब जब लूप ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लास्ट के दो डिजिट मिलेंगे। अब ये जो लास्ट के दो डिजिट मिलेंगे, उसको मैंने ये जो एरे बनाया था ना, ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 आया, मॉडुलो 100 हुआ, तो मुझे क्या दिया, 55। अब ये 55 किस में स्टोर है, इस रिमाइंडर पे। तो इस मैंने क्या किया, इस रिमाइंडर को इस एरे ऑफ जीरो में स्टोर कर दिया। अब एरे ऑफ जीरो मतलब एरे ऑफ वन का मतलब ये एरे था, उसका जीरो इंडेक्स पे मैंने रिमाइंडर को स्टोर कर दिया। जीरो कैसे, तो यहाँ देखो काउंट की वैल्यू जीरो है, तो मैंने यहाँ पे काउंट की वैल्यू जीरो थी, तो एरे ऑफ वन का जीरो में क्या स्टोर है, अब रिमाइंडर कौन सा वैल्यू, तो 55 स्टोर है, ठीक है। फिर लाइन नंबर 25 में मैंने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर से 55 तो मिल गया, अब मुझे 45 भी चाहिए, तो मुझे लास्ट का ये एक डिजिट कम करना है, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 5, इससे मुझे लास्ट के एक डिजिट को कम करना है, मतलब मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट में मुझे 45 भी तो मिलेगा, ये नंबर चाहिए। तो मैंने मुझे क्या करना होगा, उसे 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेगा, ठीक है। ये तब तक परफॉर्म होगा जब तक कि नंबर की वैल्यू जीरो या उसके बराबर ना हो जाए, ठीक है, और सारे वैल्यू इस एरे में स्टोर होंगे और काउंट की वैल्यू अपने आप बढ़ती रहेगी। फिर जब नंबर की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी या जीरो से कम हो जाएगी, तो ये वाइल लूप की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू ये सब आएंगे, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होंगे, ये स्टोर होंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये एरे मतलब एरे वन में स्टोर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब मैंने एक और एरे क्रिएट किया यहाँ पे। अब ये एरे क्यों क्रिएट किया है, अभी देखो इस एरे में क्या है, वो डिजिट भी है जो कि रिपीटेड है। तो अब मुझे इस अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम फाइंड करने चलूँ, तो मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। तो नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये रिपीटेड डिजिट है, तो मुझे क्या चाहिए, 45। इसलिए मैंने एक सेकेंड एरे क्रिएट किया, लेंथ सेम है उसका, ठीक है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इस एरे में 45, 34, 23, 1 मतलब 12 को स्टोर करना है, मतलब यहाँ पे उस 2 डिजिट वैल्यू को स्टोर करना है एरे 2 में, जो कि नॉन रिपीटेड डिजिट हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फोर लूप लगाया, ठीक है। अब एरे 1 कहो या एरे 2 कहो, क्योंकि सबकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो मैंने एरे 1 का लेंथ से किया, आप एरे 2 भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, एक चेक नॉन रिपीटेड डिजिट। अब ये जो एरे 1 में जो भी वैल्यू है, ये सारे वैल्यू हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरे 1 के हर एक इंडेक्स से, मतलब 0 1 2 3 जहाँ तक इंडेक्स होगा, उसके हर एक इंडेक्स के वैल्यू को चेक करना होगा। मतलब मान लो इंडेक्स 0 55 है, तो मुझे 55 को चेक करना है कि क्या वो नॉन रिपीटेड डिजिट है, उसमें चेक करना है। हमें पता है कि 55 में नॉन रिपीटेड डिजिट नहीं है, वो रिपीटेड डिजिट है, 5 5 रिपीटेड डिजिट है, ठीक है। तो ये मैंने एक अलग से मेथड क्रिएट किया, जो कि अब ये चेक करेगा कि जो नॉन रिपीटेड डिजिट हो, ठीक है, वो ये मेथड मुझे क्या देगा, नॉन रिपीटेड डिजिट वाला नंबर देगा, ठीक है। अब वो जो नॉन रिपीटेड डिजिट वाला नंबर आएगा, उसे मैंने ये एरे 2 में स्टोर कर लिया, जिसके लिए मैंने हमने एरे 2 को क्रिएट किया था। क्यों, क्योंकि उसमें जो नॉन रिपीटेड डिजिट है वो जाके स्टोर हो जाए, ठीक। तो अब इस मेथड को मैंने तो यहाँ पे कॉल किया, बट इसे हमने इंप्लीमेंट कहाँ किया, तो अब मैं वहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा वो मेथड, यहाँ पे ये एरे ऑफ आई, एरे ऑफ वन का जीरो में जो इंडेक्स में जो वैल्यू होगा, वो एक तरह का इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, वैल्यू नाम का। अब मैं क्या करा, आई ऑफ मॉडुलो 10, मतलब मान लो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू मान लो 55 है पहला इंडेक्स में, ठीक है, ठीक है। तो आई मॉडुलो मतलब 55 मॉडुलो 10,
अगर 45 मॉडुलो 10 करते हैं तो ये लास्ट का डिजिट देता है, मतलब 5 देगा, ठीक है 5 देगा, तो यहाँ पे 5 मिला। उसके बाद क्या है, आई डिवाइडेड बाई 10, मतलब 55 डिवाइडेड बाई 10, ये मुझे फर्स्ट डिजिट देगा, फर्स्ट डिजिट देगा मतलब लास्ट डिजिट को रिप्लेस करेगा, तो ये मुझे 5 दिया। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, फाइनली मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इज 5 इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 5 के बराबर नहीं है? तो अगर मतलब 5 5 के बराबर है तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। मान लो अगर यहाँ पे 45 होता, 45 होता तो यहाँ पे 4 जाता, यहाँ पे भी 4 जाता। देखो जब 45 मॉडुलो 10 करते तो वो लास्ट का डिजिट 5 देता, और जब 45 डिवाइडेड बाई 10 करते तो वो मुझे 4 देता, 4 देता, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, 4 देगा। तो क्या इज 5 इज नॉट इक्वल टू 4, इज 5 इज नॉट इक्वल टू 4, अब बताओ 5 इज नॉट इक्वल टू 4, यस, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या करो, वैल्यू में अब ये आई का वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है, और बाद में उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। फिर जैसे जैसे जो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो वैल्यू रिटर्न होते जाएगा। और जब यहाँ से लाइन नंबर 31 में आप ध्यान दो, 51 और 31 में, तो जो वैल्यू मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ वो वैल्यू यहाँ से आई का वैल्यू वैल्यू में स्टोर हुआ, और वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुआ, और वो वैल्यू कहाँ जाके एरे ऑफ टू का आई में स्टोर हुआ। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर ये 1 का वैल्यू यहाँ पे आया, एरे ऑफ 1 का 1 का वैल्यू यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चेक करेगा, उसी तरीके से एरे ऑफ 2 में एलिमेंट स्टोर हो गए। अब मुझे एरे ऑफ 2 में वैसे एलिमेंट स्टोर हो गए जो कि कैसे हैं, नॉन रिपीटेड डिजिट वाले। अब उस नॉन रिपीटेड डिजिट वाले में से मुझे क्या फाइंड करना, मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, जो एरे ऑफ 2 का इंडेक्स 0 में जो वैल्यू है उसे ही मैक्सिमम मैंने पहले कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ और एक मैंने यहाँ पे फोर लूप क्रिएट किया, फोर लूप बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, फोर लूप एरे ऑफ 2 का लेंथ से बना दिए हैं, आई वहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब एरे ऑफ 2 मीन्स आई, आई की वैल्यू 0 में जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्स हो जाती है ना, तो मैक्स में एरे ऑफ 2 ऑफ एरे 2 ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर दो। फाइनली जो मैक्सिमम होगी वो यहाँ से मतलब मैक्स में स्टोर होगा, और वो मैक्स हम यहाँ से फाइनल में रिटर्न किए। अब ये जो मैक्स है वो कैसा इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये किस मेथड के अंदर है, ये है मैक्स टू डिजिट नंबर, मैक्स टू डिजिट नॉन रिपीटेड पे। तो जहाँ से मुझे मैक्सिमम मिलेगा, एरे टू के एक इंडेक्स से मुझे मैक्सिमम मिला, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का, वही इंटीजर को यहाँ पे मैंने रिजल्ट पे स्टोर किया और उसे मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है। ये पूरा कोड है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, ये मुझे क्या दिया 45। मैं किसी और नंबर को लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 5 7 2 9 2 5 7 7, कुछ और ले लेता हूँ मैं, रन टाइम पे इसको कंसीडर नहीं करता हूँ, लेट्स रन दिस, कोई एक नंबर 88 85 63 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 88 एक बार, फिर एक बार 88 और 85, यहाँ से मुझे 85 चाहिए, ठीक है, आउटपुट में मैं एंटर करूँ, ये देखो, ठीक है, 85 मिल गया, टू डिजिट नॉन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर इज 85। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कोड रहा, मैं एक बार धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ, आप कोड का स्नैपशॉट ले सकते हो, आप स्नैपशॉट ले सकते हो स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, बाय।